हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सेरेब्रल पाल्सी. ओके, सो सेरेब्रल पाल्सी इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन. सो इट अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख चिल्ड्रन एंड अडल्ट विद अराउंड 8,000 बेबीज एंड बिटवीन 1200 एंड 1500 प्री स्कूलर एज चिल्ड्रन डायग्नोस ईच ईयर. सो न्यू डेटा शो 1 in 278 चिल्ड्रन हैव सेरेब्रल पाल्सी. ओके, सो सेरेब्रल मीन्स, ये सेरेब्रल कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड सेरेब्रम एंड इट अफेक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन. एंड पाल्सी मीन्स लाइफ इज लूजिंग एंड लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल. सी ड्यूरिंग बर्थ 5 to 15% केसेज आर सी पी ऑफ सेरेब्रल पाल्सी एंड आफ्टर बर्थ 10 to 20% एंड बिफोर बर्थ इट इज 75% केसेज आर सेरेब्रल पाल्सी. ओके, सो कॉमन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई द विलियम लिटिल इन द 1840s. It is a neuromotor disorders of cerebral origin and minor incapacitation to total handicap and does not include progressive degenerative or metabolic disorder of nervous system. Okay, so cerebral palsy occur as a result of a brain injury sustained during fetal development or birth. ओके, सो वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. द डेफिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ परमानेंट डिसऑर्डर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड पोश्चर कॉजिंग एक्टिविटी लिमिटेशन दैट आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन प्रोग्रेसिव डिस्टर्बेंस दैट अकर्ड इन द डेवलपिंग फीटस और इन्फेंट ब्रेन. वट इज सेरेब्रल पाल्सी? सेरेब्रल पाल्सी इज परमानेंट डिसऑर्डर ऑफ वट? परमानेंट डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट पोश्चर. ओके, विच कॉज द एक्टिविटी लिमिटेशन. ओके, सो दैट आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन प्रोग्रेसिव डिस्टर्बेंस. देन इन एडिशन टू मोटर डिसऑर्डर, द कंडीशन ऑफन इन्वॉल्व डिस्टर्बेंस ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन एंड बिहेवियर एंड सेकेंडरी टू मसल्स स्केलेटन प्रॉब्लम एंड एपिलेप्सी. किस किस चीज़ का डिस्टर्बेंस हो रहा है आपका यहाँ पे? सेंसेशन का, परसेप्शन का, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन एंड बिहेवियर. सो हेयर इज निमोनिक्स, यू कैन रीड बाई दिस SPCCB. S is sensation, P is perception, C is communication, and next is cognition, and B is behavior. Okay, then risk factors. There are some risk factors. First one is bleeding in the brain, meningitis or encephalitis, meningitis, inflammation of meninges, and interruption in blood flow to the brain due to a lack flow of blood or low blood flow. So maternal infection may be there, physical trauma if any injury is there, premature birth and poisoning from drugs. Okay, so these are the risk factors for cerebral palsy. Okay, cerebral palsy, then next is etiology. Cerebral palsy is caused by damage to motor cortex of the brain, and this is the part of the brain that affect muscles control and coordination. Okay, then etiology is prenatal, perinatal or postnatal. Okay, so we will discuss one by one. So first is prenatal, that is iodine deficiency.
इफ देयर इज एनी आयोडीन आयोडीन डेफिशिएंसी देन इट कैन कॉज द सेरेब्रल पाल्सी, आयरन डेफिशिएंसी और पुअर न्यूट्रिशन. इफ मदर विल नॉट टेक प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट और प्रॉपर न्यूट्रिशन देन इट कैन कॉज द सेरेब्रल पाल्सी. ओके सो प्री और इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, इफ 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 एनी इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन इज देयर, हाई फीवर इज देयर. ओके सो प्री नेटल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन सेल माइग्रेशन इन द डेवलपिंग फीटस, सेल डिफ्रेंशिएट एंड मूव इन टू प्लेस इन ऑर्डर टू फॉर्म द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सेल. इफ समथिंग डिस्टर्ब दिस प्रोसेस प्रिवेंटिंग ब्रेन सेल फ्रॉम माइग्रेटिंग एंड डेवलपिंग प्रॉपरली एंड अ नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैन अराइजेज. ओके सो इन इन प्रीनेटल पीरियड पुअर माइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स इन द बॉडी. माइलिन का क्या एक्ट है? इन द बॉडी माइलिन एक्ट एज इंसुलेशन टू प्रोटेक्ट द नर्व सेल एंड इन एडिक्वेट माइलिन कैन रिजल्ट इन अनप्रोटेक्टिव नर्व सेल विच कैन बिकम द डैमेज. ओके सो टेराटोजिन्स, ड्रग्स, रेडिएशन, स्मोकिंग, एल्कोहल ऑल्सो कैन कॉज द सेरेब्रल पाल्सी. ओके रेडिएशन, एल्कोहल, ड्रग, हारमोन, सिगरेट्स, जर्मन मीजल्स, लीड, मर्करी कैन कॉज द सेरेब्रल पाल्सी. सो ओ माय, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक ओ माई गॉड आई फोगेट टू हैव अ बेबी. मीन्स सम मदर्स क्या होती हैं, वेन दे कंसीव दैट टाइम शी फॉगेट शी इज प्रेगनेंट, शी टेक एल्कोहल, स्मोकिंग एंड ऑल. सो बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर द फीटस सो इट कैन कॉज द सेरेब्रल पाल्सी. एडवांस एज प्रेगनेंसी ऑल्सो द वन ऑफ द कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. ओके सो इन एम्ब्रियो यू कैन सी इन द पिक्चर. सो एम्ब्रियो आर द मोस्ट वनरेबल टू टेराटोजेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके सो इफ मदर विल टेक टेराटोजेंस एंड इट कैन कॉज द फीट इट कैन कॉज द सेरेब्रल पाल्सी बिकॉज टेराटोजेंस आर मोस्ट वनरेबल टू. ओके देन टोबैको, कैफीन, एल्कोहल. देन पोस्ट नेटल दैट इज सीएनएस इन्फेक्शन. इफ देयर इज एनी सीएनएस इन्फेक्शन, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, इफ देयर इज एनी एनसेफलाइटिस, ओके हाइड्रोसेफलिस, देन यू कैन सी इन द पिक्चर. सपोज कंजेनाइटल इन्फेक्शन में ग्रोथ रिटार्डेशन, लो बर्थ वेट, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, फीटल लॉस, स्टिल बर्थ. ओके सो पेरीनेटल्स में मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया इज देयर, निमोनिया, प्रीटर्म लेबर. एंड पोस्टनेटल मैनिफेस्टेशन इज मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, कंजक्टिवाइटिस एंड निमोनाइटिस. ओके सो हेड इंजरी इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. ओके सो सीजर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जैसे टॉनिक फेज, क्लोनिक फेज, न्यूनेटल सीजर. ओके देन हाइपोक्सिक डैमेज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंजरीज टू डेवलपिंग ब्रेन. सो लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर इफ सराउंडिंग ब्रेन डैमेज इफ ब्लड वेसल्स क्लॉट एंड ब्रेन डैमेज इफ ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्लो इज देयर. सो इट कैन कॉज द इंजरीज. यू कैन सी वन बेबी इन 10 इज बॉर्न प्रीमेच्योर वर्ल्ड वाइड. सो प्रीमेच्योरिटी इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. ओके सो पेरीनेटल ब्रेन सेल डेथ ड्यूरिंग द बर्थिंग
process. Brain cells may be die as a result of asphyxia. Asphyxia means maybe due to suffocation or blood loss. This is most commonly seen in difficult deliveries or periods of the fetal distress, late of pregnancy and emergency birth. Essentially, cerebral palsy is caused when the brain cells responsible for muscles control and movement either fail to develop appropriately or die as a result of the injury. Okay. So, although the exact cause of an individual cerebral palsy is not always uncovered, it is estimated that between 10-15% of cerebral palsy cases arise as a result of medical malpractice. For example, failure to recognize fetal distress during labor and intervenes accordingly, and failure to resuscitate a blue baby quickly enough after birth, and writing a prescription for a medication unsafe for a pregnant woman, and other issue arising from a failure to provide an adequate standard of care before, during and after birth. Okay, so premature birth, and it is also risk factor. Premature birth and low birth weight baby and long difficulty labor. Okay, the birth asphyxia, birth severe birth asphyxia, apgar less than 3 at 20 minutes. So 20-50 folds increase in cerebral palsy. IUGR is also intrauterine growth retardation. Okay, so intracerebral bleed is also a cause of cerebral palsy. Affected areas of brain, there is cerebral cortex, basal ganglia, cerebellum or motor cortex. These are the affected areas of brain: cerebral cortex, basal ganglia and cerebellum or motor cortex. So you know the parts of brain. Okay, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, आपका प्रोड्यूस पर्सन्स डिज़ायर टू मूव, बट इफ़ एनी इंजरीज देयर इंजरी कॉज स्पास्टिसिटी, मसल स्टिफनेस एंड टोन एबनॉर्मेलिटी. बेसल गैंगलिया क्या काम करता है, आपका कंट्रोल द ब्रेन एबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियसली लर्न मूवमेंट पैटर्न. सो it can cause, if there is no control then it can cause injury, if there is any injury then it can cause the tone disorder, hypotonia, hypertonia, dystonia, okay, and chorea. Cerebellum is monitor and maintain the coordinating during movements. Okay, so injury, if there is any injury then it can cause the tremors and ataxia. Motor cortex control muscles movement in a specific part of the body, and location of damage determines what functions are affected. Now we will discuss about the what are the types of cerebral palsy. Okay, so cerebral palsy is a disorder that can affect the patient in a number of ways, and the type and the severity of symptoms will vary depend on the extent of the brain injury sustained. Okay, for the reason, no two people with cerebral palsy will have exactly the same circumstances. Okay, so however, basic similarities between cases make it possible for cerebral palsy. So it can be divided into number of identifiable types. So types of cerebral palsy: spastic, ethoid, ataxic. Okay,
So we will discuss one by one. So spastic 65% present and non-spastic, and this is dyskinetic or ethoid, that is 30%, and mixed is 3%, or ataxic is 2%. So now we will discuss types. First is spastic. Spastic cerebral palsy is the most common type, affecting more than 70% of cerebral palsy patient, and this type is characterized by the hypertonia or increased muscle tone and stiff tight muscles. So people with spasticity may have muscles that they control relax, leading to rigid joints, and if the patient can walk, he or she may be exhibit or abnormal gait, and difficulty with eating and speaking are also common in spastic cerebral palsy. So spastic or pyramidal cerebral palsy can be further characterized by which parts of the body are affected. Area affecting cerebral cortex. The body are affected, that is spastic quadriplegia. This is the most This is the most severe type of spastic cerebral palsy. It is the caused by significant brain damage. And affect the entire body. यह हमारी entire body को क्या करता है? Affect करता है. And patient with spastic quadriplegia experience hypertonia in all four limbs and preventing them from walking or using their arms and hand effectively. Patient may also struggle to swallow, eat, talk, and seizures are more common for people with type of cerebral palsy. Cognitive disabilities are also common due to the extent of brain damage. Clear? Then next is the this one was the spastic. Then spastic diplegia mein kya hota hai? Other less severe cases of spastic cerebral palsy may be diplegic, affecting primarily the legs, or hemiplegic, affecting the limbs on just one sided of the body. Quadriplegia में क्यों रहा था आपके four limb attack affect हो रहे थे whole body. Then spastic में क्यों होगा आपका one sided of the body. Now the dyskinetic. So dyskinetic को आप ethoid भी बोल सकते हैं, dystonic भी बोल सकते हैं. Also called dyskinetic or dystonic cerebral palsy makes up 10 to 20% of the cerebral palsy patient. It is the most commonly characterized by the uncontrollable movement, and some common symptoms include slow rhythm of the body, जर्की मूवमेंट इन एक्सट्रीमिटीज, आपकी एक्सट्रीमिटीज में क्या होंगे, जर्की मूवमेंट्स आएंगे, एंड डिफिकल्टी होल्डिंग हेड अप. नॉर्मली आपने क्या देखा होगा कि बच्चा अपना हेड होल्ड कब करता है, 2 मंथ में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका डिस्काइनेटिक में, मीन्स अगर इफ द पेशेंट हैविंग सेरेब्रल पाल्सी देन देर इज अ डिफिकल्टी टू होल्डिंग द हेड अप एंड डिफिकल्टी टू स्वेलोइंग एंड ईटिंग. जो आपका एथॉइड सेरेब्रल पाल्सी होते हैं फ्रिक्वेंटली अफेक्ट द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड नेक मोर देन द लोअर बॉडी. आपकी मेनली कहाँ पे अफेक्ट करता है, आपके अपर एक्सट्रीमिटीज में, एंड इट डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, बट पेशेंट में स्ट्रगल टू स्पीक एंड ईट. इट्स नॉट फ्रिक्वेंटली अकर विद द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, लेकिन कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, बट पेशेंट में स्ट्रगल टू स्पीक एंड ईट. सो नेक्स्ट इज मिक्स्ड सेरेब्रल
पाल्सी, सॉरी डिस्काइनेटिव, अफेक्टेड एरिया क्या होगा आपका, बेसल गैंग्लियन. द थर्ड वन इज मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी. सो मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है आपका, बिकॉज द डिफरेंस फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आर कॉज्ड बाय इंजरीज टू डिफरेंट्स एरिया ऑफ द ब्रेन. सो एंड मल्टीपल ब्रेन इंजरीज कैन अकर, सम पेशेंट एग्जिबिट मोर देन वन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. इन मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी केसेस सिम्टम्स ऑफ मोर देन वन टाइप आर प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ अ पेशेंट्स मसल्स मे बी हाइपर टोनिक वाइल अदर मसल्स ग्रुप आर हाइपोटोनिक. क्लियर? ओके. देन एंड द मोस्ट कॉमन मिक्सचर ऑफ सिम्टम इज अ ब्लैंड ऑफ एथॉइड एंड स्पास्टिक सिम्टम्स. एंड एथॉइड एंड अटैक्सिक सिम्टम्स कॉम्बिनेशन अकर लीस्ट फ्रिक्वेंटली. ओके. अ पेशेंट विथ मिक्स्ड स्पास्टिक एंड एथॉइड सेरेब्रल पाल्सी माइट कॉमनली एग्जिबिट द स्टिफ मसल्स कपल्ड विथ इनवॉलेंट्री मूमेंट. ओके. सो सीवियरिटी ऑफ लोकेशन डिपेंड करता है आपका. देन मोनोप्लेजिया. मोनोप्लेजिया इज अफेक्टिंग जस्ट वन लिम्ब और बॉडी पार्ट. डाइप्लेजिया अफेक्टिंग टू बॉडी पार्ट्स ऑफन बोथ लेग. हेमिप्लेजिया अफेक्टिंग ऑल द लिम्ब्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. एंड डबल हेमिप्लेजिया अफेक्टिंग ऑल फोर लिम्ब्स. एंड क्वाड्रिप्लेजिया अफेक्टिंग द होल बॉडी इंड्यूलिंग इंक्लूडिंग नेक एंड ट्रंक. ओके. सो नेक्स्ट वन इज अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी. अफेक्टेड एरिया इज सेरेबेलम. एंड अटैक्सिक इज द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ, मोस्ट कॉमन कौन सा आपका, स्पास्टिक. एंड द अटैक्सिक इज लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. एंड सेरेब्रल पाल्सी अफेक्ट अराउंड द 5 to 10% ऑफ पेशेंट. एंड द नेम कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड अटैक्सिया. अटैक्सिया का मीनिंग क्या होता है आपका, अनकोऑर्डिनेटेड, विच डिस्क्राइब द डिफिकल्टी विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. कहाँ पे डिफिकल्टी होगी आपको, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन दैट अकर विद द दिस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. ओके. सो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अटैक्सिक लाइक डिफिकल्टी कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स, प्रॉब्लम विथ पोस्चर एंड बैलेंस, एंड स्ट्रगल विथ कॉग्निटिव फंक्शन लैंग्वेज स्किल. ओके. सो जो जिन लोगों को आपका अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, मे बी एक्सपीरियंस ट्रेमर्स व्हेन अटेम्प्टिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स. ओके. सो इफ देयर इज वॉलेंट्री मूवमेंट्स द ट्रेमर्स विल बी देयर्स. एंड दे ऑल्सो मे हैव एन अनस्टेडी गेट. ओके. एंड डिफिकल्टी विद एनी टास्क रिक्वायरिंग फाइन मोटर स्किल स्पेशली इन द हैंड एंड फिंगर. ओके. जो आपकी अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होती है ऑफन डायग्नोज लेटर इन द लाइफ देन अदर टाइप्स. ओके. सो यूजली आफ्टर अ चाइल्ड हैज रीच्ड 18 मंथ ऑफ एज. ओके. क्लियर? सो क्लिनिकल फीचर्स इन स्पास्टिक टाइप वी हैड ऑलरेडी डिस्कस. डिफिकल्टी विद फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल. ओके. स्कोलियोसिस, एल्बो रिस्ट एंड फिंगर इन फ्लेक्स्ड पोजिशन विद थंब एबडक्टेड, यू कैन सी हेयर. एंड इन डिस्काइनेटिक स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज, मीन्स एबनॉर्मल पोस्चर वर देयर, यू कैन सी इन पिक्चर्स लाइक दिस. ड्रूलिंग लाइक दिस, डिसआर्थ्रिया. ओके. कोरिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ऑब्स्टेनिक पोस्चर,
इट इज़ अ स्टेट ऑफ सीवियर हाइपर एक्सटेंशन एंड स्पास्टिसिटी इन विच इंडिविजुअल हेड नेक एंड स्पाइनल कॉलम एंटर टू अ कंप्लीट आर्चे पोजिशन. स्यूडोबल्बर पाल्सी इट इज़ द कॉज बाय बाइलेटरल लोअर मोटर न्यूरोन लीजन्स अफेक्टिंग द नर्व सप्लाइंग बर्बर मसल्स ऑफ जॉ फेस पैलेट एंड लैरिंग्स. ओके सो क्लिनिकल फीचर्स आर अदर क्लिनिकल फीचर्स आर देयर सपोज मैनिफेस्टेशन मे नॉट बी अपेयर बिफोर वन ईयर ऑफ एज रिफ्लेक्स हाइपर एक्टिविटी विल बी देयर स्यूडो बल्बर पाल्सी व्हेन स्पास्टिसिटी इज बायलेटरल एंड एक्सेसिव ड्रूलिंग एंड माइक्रोसेफली फीडिंग डिफिकल्टी विल ऑल्सो देयर. Diplegia, it is the most common in premature baby. Diplegia में क्या होता है आपका affect the legs typically both. Hemiplegia, one sided, most common in babies who have strokes or traumatic brain injury. Circumductive gait, like you can see in picture like this. Delayed वॉकिंग नॉर्मली आपने देखा होगा जो नॉर्मल ग्रोथ नॉर्मल वॉक कब होती है आपकी 10 to 11 month में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका डिलेड वॉकिंग. ओके 18 to 24 month. नाउ द पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है आपका लो सेरेब्रल ब्लड फ्लो. ओके इफ देयर इज लो सेरेब्रल ब्लड फ्लो देन पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर ससेप्टिबल टू इस्केमिक डैमेज ड्यू टू लो सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड देयर इज अ वाटरशेड. अ वाटरशेड स्ट्रोक और वाटरशेड इन्फेक्ट इज डिफाइंड एज एन इस्केमिया और ब्लड फ्लो ब्लॉकेज दैट इज लोकलाइज टू द बॉर्डर जोन्स बिटवीन द टेरिटरीज ऑफ टू मेजर आर्टरीज इन द ब्रेन. एंड जो वाटर शीट लोकेशन आर दोज बॉर्डर जोन रीजन इन द ब्रेन सप्लाई बाई द मेजर सेरेब्रल आर्टरीज वेयर द ब्लड सप्लाई इज डिक्रीज एंड इफ ब्लड सप्लाई इज डिक्रीज देयर इज द चांसेस ऑफ ब्रेन डैमेज. ओके नाउ द डायग्नोसिस. सो डायग्नोसिस इन अ मोस्ट केसेस सेरेब्रल पाल्सी इज फर्स्ट सस्पेक्टेड व्हेन अ पेरेंट्स और केयर टेकर नोटिस डिले इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट. फर्स्ट अगर चाइल्ड में क्या है डिले डेवलपमेंट है एंड चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू हिट सर्टेन माइलस्टोन एज दे ग्रो सच एज होल्डिंग अप देयर हेड्स रोलिंग ओवर क्रॉलिंग वॉकिंग. ओके सो फेलियर टू दीज माइलस्टोन और एग्जिबिटिंग unusual behavior when the attempting these movements is often the first sign that something is wrong. Okay, so once initial symptoms or developmental delay are noticed, the child doctors will run a number of diagnostic tests. First of all, what will do general assessment. Okay, in general assessment positive history of adverse antenatal or perinatal events, family observation of developmental delay, growth curves, coexisting degenerative disease example metabolic disorder, spinal cord tumor, and the next is functional assessment. In functional assessment what we will do head posture, head control, ability to sit independently or not, gait symmetry, abnormalities of posture, assessing chewing's ability, okay, and speech production and clarity, and characteristics feature of cerebral palsy based on the age. Okay, less than 6 months ne head lag when infant is picked from supine position, feel floppy in parents arm, सीजरिंग ऑफ लेग मोर देन 6 month में असिम्टमेटिक टोनिक नेक रिफ्लैक्स देन 10 month में मोबिलाइज क्रॉल नॉट यूजिंग ऑल लिम्स कमांडो क्रॉल. ओके अपनी ऑल लिम्स को यूज नहीं करता है लाइक कमांडो क्रॉल स्टिप और
floppy posture. These are the early sign. Poor head control, weak suck. Okay, baby will not take proper feeding or sucking reflex was weak. Tongue thrust. Okay, feeding difficulties are there. Okay, so you can see in the pictures when you are try to stand the child, the leg often stiffen or cross like scissor. Okay, scissors ki tarah wo cross hoga like this. देन कमांडो क्रॉल, जैसे कमांडो क्रॉलिंग करते हैं ना, तो ये बच्चे भी क्या करेंगे लाइक दिस क्रॉल करेंगे. तो फोर लिम से नहीं होगा, जस्ट लाइक अ कमांडो क्रॉल. एंड अदर ओके, सपोज ब्रेन इमेजिंग हो गया आपका, MRI, दैट इज MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग विच प्रोवाइड्स अ थ्री डायमेंशनल व्यू टू द ब्रेन. सीटी कराएंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन विच टेक्स एक्सरे ऑफ द ब्रेन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स टू प्रोवाइड अ क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द ब्रेन. EEG इज इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम विच मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन. अल्ट्रासाउंड विच इज यूजेस हाई पावर्ड साउंड वेव्स टू प्रोवाइड ए इमेज टू द ब्रेन. जनरल स्क्रीनिंग भी करवाएंगे हम. ओके, इन एडिशन टू ब्रेन इमेजिंग टेस्टिंग मे बी डन टू आइडेंटिफाई द फ्लॉ, मीन्स हम हेयर इम्पेयरमेंट भी कर सकते हैं, विजन इम्पेयरमेंट चेक कर सकते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन चेक कर सकते हैं, अदर सिम्टम्स दैट फ्रिक्वेंटली को अकर विद सेरेब्रल पाल्सी. अ सेरेब्रल पाल्सी डायग्नोसिस कैन बी रीच्ड व्हेन द सिम्टम्स आर प्रेजेंट, व्हेन द सिम्टम are present and a brain injury can be found. So most cases of cerebral palsy up to 70% are diagnosed by child first birthday, with 43% of severe case being diagnosed in the first month of life. And the more severe the symptoms, the earlier a diagnosis can generally be formed. Okay, so management. So cerebral palsy treatment can improve the overall quality of life for patient by managing symptoms and preventing secondary condition from developing or worsening. Cerebral palsy treatment so can focus on allowing a child to live the best life possible. Although जो आपका ये disorder है cannot be cured, symptoms management and therapy will allow the patient to adjust to their disability. Okay, so multidisciplinary approaches, there one pediatrician, occupational therapist, physiotherapist, nutritionist, rehabilitation and vocational guidance. Okay, and surgical approaches are there, stem cell treatment, orthopedic surgery and neurological procedure. Okay, so there is a in surgical stem cell treatment, nerve and brain cells do not heal in the same way as other part of the body, and the damage they sustain is generally irreparable. Okay, so however, modern advancement in the use of stem cell therapy have shown some promising result in neuro regenerative treatment. Okay, so जो आपका stem cells होते हैं are a special type of undifferentiated cell. All cells in a developing fetus begin as a stem cell, which then differentiate to become specific types of cells with a specific purpose. Clear? So some of these cells are retained in the body throughout a person's life. So by isolating these cells or injecting them into a damaged area, scientists believe that the cell can develop into the brain and nerve tissue. जहाँ आप जो आपकी damaged cell होगी,
ओके, डैमेज एरिया में क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे. सो दे मे लीड टू क्योर फॉर सेरेब्रल पाल्सी एंड मेनी अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड डिसेबिलिटी फ्यूचर डिसेबिलिटीज इन द फ्यूचर. ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्थोपेडिक सर्जरी. तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव. ओके, हमेशा क्या है, आपकी जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होगी वो इफेक्टिव नहीं होती, बट इट कैन ऑफर इम्प्रेसिव रिजल्ट फॉर द राइट कैंडिडेट. ओके, एंड द पर्पज ऑफ सर्जरी एज अ सेरेब्रल पाल्सी ट्रीटमेंट इन टू द इम्प्रूव मोबिलिटी फॉर रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल मसल्स स्पास्टिसिटी कैन लीड टू ज्वाइंट्स बींग पुल्ड आउट ऑफ द पोजिशन और डिसलोकेटेड. तो यहाँ पे क्या देंगे हम, सर्जिकल इंटरवेंशन. क्यों, सर्जिकल इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग. ओके, सो मीन्स सर्जरी बहुत सारी हो सकती है वहाँ पे, जैसे सर्जरी कैन एड्रेस स्कोलियोसिस, मसल स्पास्टिसिटी हो गया आपका, इफ़ एनी ज्वाइंट प्रॉब्लम इज देयर, इफ मसल्स कॉन्ट्रैक्चर इज देयर, इफ हिप डिसलोकेशन इज देयर, ट्रेमस इज देयर. ओके, सो इन सम केस सर्जरी कैन ऑल्सो हेल्प टू एलिवेट द पेन. हाउएवर, नॉट एवरी इंडिविजुअल विल अ गुड कैंडिडेट फॉर सर्जरी एंड रिस्क शुड बी असिस्ट बिफोर परस्यूइंग दिस ट्रीटमेंट. ओके, सम न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स इज ऑल्सो दे आर. ओके, सो फर्स्ट इज सेलेक्टिव डॉर्सल रिजॉटमी. तो इसमें क्या करते हैं हम, एन इंसीजन ऑन द बैक एंड रिमूव अ पार्ट ऑफ स्पाइन एंड एक्सपोज द टिप ऑफ स्पाइन कॉर्ड एंड नर्व्स टेस्टेड एंड कट सम नर्व्स. ओके, देन इंट्राथीकल बैक्लोफेन पम्प इम्प्लांटेशन. ये क्यों करते हैं हम, अ मसल्स रिलैक्सेंट दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन द मसल स्पास्टिसिटी. ओके, कॉम्प्लिकेशन, देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, मेंटल रिटार्डेशन, डिक्रीज मोटर स्किल बोथ फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल. ओके, देयर इज सम गुड प्रोग्नोसिस, फर्स्ट इज स्पास्टिसिटी एम्बुलेटरी बाई 7 ईयर्स एंड इंडिपेंडेंट सिटिंग बाई 2 ईयर्स एंड गुड इफ गुड फैमिली सपोर्ट इज देयर. ओके, बैड प्रोग्नोसिस क्या होगा आपका, हाइपोटोनिक क्वाड्रिप्लेजिया, नो सिटिंग बाई 2 ईयर्स एंड नो नॉन एम्बुलेटरी मोर देन 7 ईयर्स एंड परसिस्टिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस मोर देन 2 ईयर्स. ओके, सो मल्टीपल थेरेपी ऑप्शन एग्जिस्ट इंक्लूडिंग, ओके, लाइक स्पीच थेरेपी. स्पीच थेरेपी क्या करता है आप, इट कैन इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल एंड हेल्प विथ ईटिंग एंड स्वेलोइंग. एंड फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी कैन इम्प्रूव द मोबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी. सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैन हेल्प एन इंडिविजुअल एडजस्ट टू हिज और हर होम, स्कूल और वर्क एनवायरमेंट. एंड द रिक्रिएशनल थेरेपी विच कैन बिल्ड सोशल स्किल एंड प्रोवाइड अ क्रिएटिव आउटलेट. एंड इन बिहेवियरल थेरेपी विच कैन हेल्प विथ प्रोवाइडिंग हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म फॉर इमोशनल ट्रबल. ओके, सो थेरेपी कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स बाई प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर कॉमन प्रॉब्लम एज वेल एज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इमोशनल सपोर्ट एंड कोपिंग मैकेनिज्म. इमोशनल सपोर्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी. तो सेरेब्रल पाल्सी इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, बट इट इज़ नॉट डी जनरेटिव एंड दैट मीन्स द सिम्टम्स विल नॉट वर्सन ओवर टाइम. एंड विद द ट्रीटमेंट एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन मैनी चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी कैन ग्रो अप एंड लाइफ इंडिपेंडेंट एंड प्रोडक्टिव लाइफ. सो मैनी मोर कैन लिव वेल इन टू
adulthood with the help of professional caregivers and family assistance. Okay, so because there is so much variance between individual cases of cerebral palsy, it is difficult to estimate an average cerebral palsy lifespan. And individual longevity will depend primarily on the severity of symptom and the successfulness of treatment. Okay, so one study published by the National Institute of Health suggests that the most severe cases may have a 25% chances of living to age 30, and less severe case can live much longer. Okay, there is one research article that a study was there, internet based randomized controlled trial of omega 3 fatty acids for hyperactive in cerebral palsy. The author name was Stephen Band et al. And journal name American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, ARS 2014. Objective was to determine the feasibility of conducting an IBRCT in children with cerebral palsy. So to obtain further information regarding the safety and efficacy of omega-3 fatty acid. Okay, so research was quantitative in nature with randomized control were there in University of California, San Francisco and John Hopkins University. Okay, so in this study, the total sample was 57 children from 28 states were deemed eligible and randomly assigned to study treatment. Okay, so treatment group was given as omega-3 fatty acid in orange flavored pudding, and next control group was given to placebo administration. Okay, so score more than 12 on social communication questionnaire was there, and study the result was the study did not find a statistically significant improvement in hyperactivity in children who were taking omega-3 fatty. Okay, so the study demonstrated the feasibility of conducting an IBRCT in children with cerebral palsy. In just 6 weeks, 57 children from 28 states completed all eligibility criteria screening and were enrolled. The result was the study does not have sufficient resources to enroll enough patients to have adequate power to identify clinically important changes in hyperactivity. Okay, there is the reference. So at the end, I just want to say it is not the disability that defines you, it's how you deal with the challenges the disability present you with. So we have an obligation to the abilities we do have, not the disability. Thank you.